सद्गुरु कबीर का एक बहुत सरल और छोटा सा पद है, अपने साहेब से मिल रहिए, जो काहू की भली न आवे बुरी काहे को करिए। जो कोई संत मिले बड़भागी, सुख दुख उनसे कहिए। जो कोई बादी बाद बढ़ावे, चार बात सुन रहिए। कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित रहिए, अपने साहेब से मिल रही है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई, अपने साहेब से मिल करके रहो, अपना साहेब कौन? दूसरे के साहेब से मिलने की बात साहेब नहीं कहते, अपने साहेब से मिलने की बात कहते हैं। वैसे परस्पर में हम लोग साहेब साहेब कहते रहते हैं, साहेब बंदगी कहते रहते हैं, ये तो अभिवादन है। लेकिन यही पता नहीं है कि साहेब का अर्थ क्या होता है। साहेब का शुद्ध रूप है साहब, जो कि अरबी फारसी का शब्द है। बहुत सारे अर्थ हैं इसके, पूज्य, इष्ट, आदरणीय, मालिक, ईश्वर। साहब ने कहा है कि साहेब साहेब सब कहें, मोहि अंदेशा और। साहेब से परिचय नहीं, बैठो गे कह ठौर। साहेब साहेब तो सब कह रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ और अंदेशा है, संदेह है कि लोगों को असली जो साहेब है उससे परिचय नहीं है, उससे लोग परिचित नहीं हैं। फिर इनकी स्थिति कहाँ होगी, दशा कहाँ होगी, ठहराव कहाँ होगा? जो भी ठहराव की भूमिका होगी, वह भूमिका बाहर नहीं होगी। शरीर के लिए तो एक ठहराव की भूमिका बनानी होती है, लेकिन जीव के लिए ठहराव की भूमिका कहाँ है, उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। हम उस ठहराव की भूमिका को बाहर खोजते हैं, और खोजते खोजते भटकते रह जाते हैं, वो भूमिका कहीं मिलती नहीं है, क्योंकि बाहर भूमिका है नहीं। बाहर हम खोजते हैं, लेकिन बाहर खोजकर जो भी मिलेगा वो तो छूट जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं अपने साहेब से मिल रही है, अपना जो साहब, अपना स्वामी,
अपना मालिक कौन, इस जीव का कोई दूसरा मालिक नहीं है बाहर। बिहार में तो कोई मालिक होता है, कोई नौकर होता है, वो बिहार के लिए है, लेकिन जीव का मालिक कौन हो सकता है? नहीं गाहक, नहीं साई। साहब ने बीजक में पद में कहा है, इस जीव का कोई गाहक नहीं है और कोई साई, कोई मालिक नहीं है। या को माए न या को बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। ये स्वतः है, और जो स्वतः होता है उसका कोई साई, उसका कोई मालिक नहीं होता है। और हर जीव स्वतः है, इसलिए हर जीव अपना मालिक, अपना साहब स्वयं है, स्वतः है। अनुभव में क्यों नहीं आता? अनुभव में इसलिए नहीं आता है कि हमारा मन चंचल, बहिर्मुख, मलिन बना हुआ है। उस साहब तो नित्य प्राप्त है, पाना नहीं है, किंतु मन की जो मलिनता है, बहिर्मुखता है, इसको दूर करना है। श्री रामदास साहब ने पंचग्रंथी में एक बहुत बढ़िया दोहा कहा है, प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ, निज स्वरूप लखि दयायुत, दीन जान अपनाओ। प्राप्त जीव, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो बाहर नहीं है, हम स्वयं हैं, स्वतः हैं। पाने की इच्छा नहीं करना है, करना क्या है? केवल हंत छुड़ाओ, केवल अहंकार का विसर्जन करना है। विसर्जन है अर्चन का द्वार। विसर्जन साधना का अर्थ है कि विसर्जन, अर्जन करना नहीं है, पाना नहीं है। पाते और पाने के भ्रम में तो आज तक भटकते रहे हैं। केवल विसर्जन, केवल विसर्जन। जो कुछ भी आप मार रखे हो, बड़े से बड़ा, चाहे बाहर हो चाहे भीतर मन की कल्पना हो, सबको विसर्जित करना पड़ेगा। कोई चारा नहीं है। गणेश पक्ष आने वाला है अभी कुछ दिनों में। भारत में जगह जगह, गांव गांव गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है। विधि विधान से सुबह शाम पूजा आरती वंदना की जाती है। गणेश पक्ष समाप्त होता है, कुछ दिनों के पश्चात नवरात्र आ जाता है, और नवरात्र में जगह जगह दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है बड़े विधि विधान से, और सुबह शाम
उस स्थापित प्रतिमा की पूजा आरती वंदना की जाती है बहुत भक्ति भावना के साथ। रोज ऐसी भक्ति भावना के साथ पूजा करें गणेश जी और दुर्गा जी की तो हर्ज क्या है, लेकिन 10 दिन के पश्चात गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है, 5-7 दिनों के पश्चात दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है, मतलब भगवान को भी विसर्जित करना पड़ेगा यदि अपने में ठहरना चाहते हैं तो। ये विसर्जन क्या बता है, बाहर से जो कुछ भी तुम मार रखे हो, बाहर भगवान मार रखे हो, उसको भी विसर्जित कर दो, उसका भी विसर्जन किए बिना काम नहीं चलने वाला है। तो साधना क्या है, विसर्जन। जब सब कुछ का विसर्जन कर दिया जाएगा तब अपने साहेब से मुलाकात होगी। कुछ भी अहंकार है, थोड़ा सा भी अहंकार है, अहंकार पर्दा है अपने साहेब से मिलने में। बाहर की जो इच्छा है वो पर्दा है अपने साहेब से मिलने में। लेकिन न अहंकार समझ में आता है न इच्छा समझ में आती है, इसलिए अपना साहेब अपने पास होते हुए भी, स्वरूप होते हुए भी, उससे हमारी दूरी बराबर बनी रह जाती है। अपने को पाना है, अपने साहेब को पाना है, अपने साहेब में स्थित होना है, उससे मिलना है, तो बाहर सब कुछ का विसर्जन। और सब कुछ से मतलब है केवल अहंकार का विसर्जन, अहंता ममता का विसर्जन। बस अहंता ममता का त्याग ही साधना का परिणाम है। हम भ्रम में पड़ जाते हैं, कितनी साधना करें, त्याग करें, तप करें और कुछ ना मिले तो फायदा क्या है। मिलने के लिए, पाने के लिए तो साधना करते हैं और कुछ मिलना ही नहीं यहाँ पर, तो किस लिए। तो लोगों ने कह दिया, संतों ने, महात्माओं ने कह दिया, तुम त्याग करो, साधना भजन तपस्या करो तो तुम्हें भगवान मिलेगा। एक लोभ दिखाया गया कि इसी बहाने आदमी कम से कम कुछ त्याग तप साधना के मार्ग में तो चले, लेकिन हुआ उल्टा, हमने उस लोभ को पकड़ लिया और जो साधना भजन था वो सब छोड़ दिया। मूल बात भूल गई। सद्गुरु कहते हैं कि प्राप्त जीव इच्छा नहीं केवल हंत छुड़ाओ, पाना कुछ नहीं है, पाने की इच्छा नहीं करना है, केवल अहंता ममता को छोड़ देना है। फिर जो पाना चाहते हैं आप, शांति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, कल्याण पाना चाहते हैं, ब्रह्म खुदा ईश्वर पाना चाहते हैं, अपने आप को पाना चाहते हैं, सब कुछ मिल जाएगा, वो अपना होगा। छोड़ने के बाद जो शेष होगा वो अपना साहेब है। तो अपने साहेब से मिल रहिए। सद्गुरु कबीर कहते हैं, हे भाई तुम अपने साहेब से मिलो, अपने में लौटो, स्वयं स्थित हो, वही स्थायी भूमिका होगी तुम्हारी, बाहर की स्थायी भूमिका है नहीं। सब उसको बिहार में कहते हैं, बिहार में कैसे करना है, जो काहू की भली न आवे बुरी काहे को करिए। मनुष्यता है
अपने से जो बन सके दूसरे की भलाई कर देना, दूसरे की सेवा कर देना। सेवा नहीं कर सकते तो बुरी काहे को करिए, दूसरे का नुकसान क्यों कर रहे हैं, अहित क्यों कर रहे हैं। यदि दुनिया में जो जहां है तन से मन से वचन से दूसरों की कुसेवा करना, दूसरों को दुख देना बंद कर दे तो किसी प्रकार की कोई और सेवा की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आदमी सेवा कम करता है, भलाई का काम कम करता है, कुसेवा ज़्यादा करता है, बुराई का काम ज़्यादा करता है, इसीलिए दुनिया में सर्वत्र दुख दिखाई पड़ता है। सेवा नहीं कर पाते कोई बात नहीं है, कई बार ऐसा अवसर होता है कि चाहते हुए भी हम सेवा का काम नहीं कर पाते, तो बुरा करना छोड़ दें, सेवा का मन बनाएं। दूसरे के दुखों को दूर करने का मन बना करके रखें, नहीं दुख दूर कर सकते तो दुख देना बंद कर दें। अपना यदि दुख से बचना चाहते हैं तो रास्ता यही है, दूसरों को दुख देना बंद करना। जब तक दूसरों को हम दुख देते रहेंगे स्वयं दुखों से मुक्त हो नहीं सकते हैं। दुख छूटन सब ही चहे, दुख देना बिन बंद। समझो हिए विचारी के कैसे तुम निर्द्वंद। श्री विशाल साहब कहते हैं दूसरों को दुख देना बंद किए बिना लोग स्वयं दुखों से छूटना चाहते हैं, लेकिन स्वयं विचार करके देखो दूसरों को दुख देख दे करके तुम निर्द्वंद कैसे हो सकते हो। कोई किसी भी प्रकार से दूसरे को दुख देता है, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे जैसे हो, उतना मन द्वंद ग्रसित रहेगा, कालुष्य से भरा रहेगा, अशांत रहेगा। हम स्वीकार करें या न करें लेकिन दूसरे को दुख देते हैं तो हम स्वयं पीड़ित रहेंगे ही। अपना दुखों से बचना चाहते हैं तो दूसरों को दुख देना बंद। इतना तो हम सोच सकते हैं ना कि मेरे तन से मन से वचन से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न मिलने पाए। सुबह उठें और उठ करके बिस्तर पर बैठकर ये भाव मन में ले आए कि आज सुबह से शाम तक मैं इस प्रकार से व्यवहार करूँगा, ऐसे लोगों से संबंध बनाकर रखूँगा कि मेरे तन मन वचन से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना मिलने पाए। फिर देखेंगे बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत होगा। दया का भाव जब आएगा तब ये होगा। बिना दया का भाव आए ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता है। हम दूसरों को दुख देने से बच नहीं सकते हैं। दया
धर्म का मूल है दया, दया धर्म का मूल है। जहाँ दया तहाँ धर्म है। दया को छोड़ करके धर्म और कुछ बचेगा क्या? धर्म की बड़ी बड़ी चर्चा तो हो जाती है, लेकिन मूल बात भूल जाते हैं। कहीं दान मत करिए, कोई औषधालय, अनाथालय या कोई और काम न करिए, सिर्फ दया का व्यवहार करना शुरू कर दें। दूसरों को दुख देना बंद कर दें और दया का व्यवहार करना शुरू कर दें। ये दुनिया इतना मंगलमय हो जाएगी कि कल्पना भी नहीं कर सकते। पूजा करना अलग बात है, पाठ करना अलग बात है, मंदिर में चढ़ावा कर देना बिल्कुल अलग बात है, लेकिन दया का व्यवहार करना, दया का व्यवहार होगा तो किसी प्रकार का कुछ भी गलत कर्म होगा। मन में दया की भावना होगी, मन में सेवा की भावना होगी, तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं घूस ले पाएंगे, भ्रष्टाचार गबल घोटाला करेंगे। दया और धर्म को एक बारगी तिलांजलि दे करके ही घुस लिया जाता है, गबन घोटाला किया जाता है। दया का व्यवहार होगा, दया का मन होगा, तो ये जितने दुकानदार व्यापारी हैं मिलावटबाजी का काम करेंगे, कालाबाजारी करेंगे, दो नंबर का धंधा करेंगे, फिर तो खत्म हो जाएगा। जितना कालाबाजारी है, दो नंबर का धंधा है, मिलावटबाजी है, दया धर्म को भुला करके ही किया जाता है। हाँ, दया होती है। किस पर दया होती है? जो ना बोलता है, ना चालता है, ना सुनता है, ना खाता है, ना पीता, चुपचाप एक जगह बैठे रहता है ना, उस पर दया होती है। चलने फिरने वाले आदमियों पर दया नहीं, इंसान पर, प्राणियों पर दया नहीं होती है। दया का भाव मन में हो, दया का व्यवहार हो, तो रोज सुबह सुबह लाखों प्राणियों की गर्दन पर छुरी चलती है, ये छुरी चलेगी? दया का व्यवहार होगा तो लोग अपने पेड़ को कब्रिस्तान बना करके रखेंगे? बस एक दया को भूल करके सारा अनर्थ होता है। यहां तो सदगुरु कबीर कहते हैं, जो काहू की भली न आवे बुरी काहे को कहे। जो अपने मन को समझ लेगा, अपने साहेब को समझ लेगा, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। अब बुरा करने में केवल वैसे नहीं है, निंदा करना, चुगली करना, झूठा अफवाह फैलाना, झूठी बुराई करना, किसी को गलत रास्ता बता देना, ये भी तो बुरा करना है। गलत प्रेरणा देना, गलत सीख देना, दूसरों के लिए मन में अनादर का भाव पैदा कर देना, ये भी तो अधर्म है। दया का भाव होगा तो ऐसा होगा। सद्गुरु कहते हैं, जो बन सके दूसरे का भला करो, कभी किसी को गलत प्रेरणा मत दो, कभी किसी को गलत सीख मत दो, कभी किसी के बारे में किसी को गलत बात मत कहो। इतना हो जाए तो बस बहुत हो जाएगा। जो कोई संत मिले बड़ भागी, सुख दुख उनसो कहिए। यदि सौभाग्य से कोई सच्चे संत मिल जाए
तो अपने सुख दुख की बात उनके सामने जा करके कह दो, वहाँ से रास्ता मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, उस दुख को सहने की शक्ति मिलेगी। साहब कहते हैं संत मिले बड़भागी, बड़भागी संत, तो जो बड़भागी है चाहे हमारे सौभाग्य से ऐसे संत मिल जाए, या ऐसा कोई सौभाग्यशाली संत जिन्होंने अपने मन को बस में कर लिया वो संत मिल जाए, क्योंकि संत के वेश में भी पता नहीं कैसे कैसे लोग घुसे पड़े हुए हैं। खाली वेश से किसी संत मान करके अपने मन की बात कहोगे ना तो 10 जगह फैला देगा वो। संतों पर लोगों का विश्वास होता है, कि यहां हम अपनी बात कहेंगे तो एक तो हमें प्रेरणा मिलेगी, रास्ता मिलेगा, सही दिशा मिलेगी, और किसी से कहेंगे नहीं। कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसी गलतियां लोग कर जाते हैं, ऐसा कुछ गलत व्यवहार कर जाते हैं या गलत बात कह देते हैं, बाद में लगता उन्हें कि ये तो बिल्कुल गलत है, अंदर अंदर उसे घुड़ते रहते हैं, किसी से वो कह नहीं पाते। यदि किसी से कह दे तो अंदर जो घुटन है, तनाव, वो दूर हो जाए। नहीं कहते हैं तो बात अंदर 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 सालती रहती है। इसीलिए लोग आकर के संतों के पास, गुरुजनों के पास अपनी बात कह देते थे। अनेक लोग आते थे गुरुदेव जी के पास, अपना दुखड़ा सुनाते थे, दुखड़ा सुनाते थे तो मन हल्का हो जाता था, बोझा हल्का हो जाता था। ये जो कहा गया है मंदिर में जाओ और वहां भगवान के समक्ष एक मूर्ति है, किसी की आस्था लोगों की कि वो भगवान है, वहां जाकर के भगवान के सामने खुल करके ईमानदारी के साथ अपने सारे अपराध को क्षमा कर मांग लो, खुल करके अपराध को बता दो कि हमने ये पाप किया भगवान, और हमारे अपराध को, पाप को क्षमा कर दो। तो खुल करके जब सच्चे मन से भगवान से अपनी बात कहोगे तो भगवान तुम्हारे अपराध को, पाप को क्षमा कर देंगे। इसका मतलब क्या है, पाप और अपराध क्षमा होने का अर्थ क्या होता है, क्या सचमुच में ऐसा हो जाता है? खुल करके जब हम जानते हैं ये मंदिर है, यहाँ दूसरा कोई है नहीं, और मूर्ति है, इसके सामने बात कर रहा हूँ, ये तो किसी को बताएगी नहीं, तो जब निश्चल होकर के खुले दिल से अपराध स्वीकार कर लेते हैं वहां पर, तो हमारा मन हल्का हो जाता है कि मैंने भगवान अपनी बात बता दी। ये मन का हल्का होना ही पाप का मिटना है, अर्थात जो गलत कर्म किया गया वो फल तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आज राहत मिल जाती है, हमने भगवान को अपनी बात कह दिया। लेकिन वहां तो कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, कोई रास्ता वहां मिलेगा नहीं, दिशा मिलेगी नहीं, कोई उपाय नहीं बताएगा, वो तो मूर्ति है ना, वो मूर्ति ना सुनती है ना बोलती है। हमारा मन हल्का हो जाता है बस सुन करके सही रास्ता देने वाले संत और गुरुजन हैं। लेकिन ध्यान ये भी देना होगा
कि सच्चे संत के पास अपनी बात कहनी होगी। महाभारत में जो बात आई है कि अपने गृह कला से उबकर जब कृष्ण नारद के पास आए हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं, तब वहाँ श्री कृष्ण ने नारद से कहा है, देवर्षि नारद, जो अपना मित्र न हो उससे अपने घर की बात नहीं बताना चाहिए। मित्र ही नहीं पहले उसे बता देंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ फैला देगा। तो जब अपना मित्र ना हो उससे अपने घर की बात नहीं बतानी चाहिए। मित्र तो है लेकिन जिसने अपने मन को बस में ना किया हो, मन पर जिसकी स्वस्थता ना हो उसे अपनी बात नहीं बताना चाहिए, क्योंकि भले वो मित्र है लेकिन मन का गुलाम बना हुआ है, मन के वशीभूत होकर नाच रहा है, तो हमारी बात पता नहीं कहां कहां वो फैला देगा। और मन को वश में किया है, स्वस्थ मन वाला है तो अपने में पछा लेगा, दूसरे की गलत बातों को सुन करके पचा लेना सहज नहीं है। एक एक किलो भोजन पचा लेने वाला आदमी जिस बात में कोई वजन नहीं है उन्हें वो पचा नहीं पाता है, यहाँ की बात वहाँ तुरंत फैला देता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो अपना मित्र ना हो उससे अपने पारिवारिक कला की बात नहीं बताना चाहिए। मित्र होते हुए भी जिसका अपने मन पर अधिकार ना हो उससे अपनी बात नहीं बताना चाहिए। और मन पर अधिकार तो है लेकिन जो सही दिशा नहीं देना जानता उससे अपनी बात नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बता दोगे तो कोई रास्ता मिलेगा नहीं, फायदा क्या होगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं जो कोई संत मिले बड़भागी, बड़भागी संत, सौभाग्यशाली संत कौन, जिसने अपने मन पर विजय पाली हो, न पूर्ण विजय पाई हो तो कम से कम विजय पाने के लिए काम तो कर रहा हो। साधु का कपड़ा पहन लिए इतने से नहीं हो जाएगा क्योंकि साधु हो गया मन पर विजय पा लिया। तमाम साधु हैं जो मन के चलाए चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, पता नहीं उनका मन कहाँ कहाँ उड़ा रहा है उसको। पहले देखें, परखें, विचार कर लें और जब समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ अपनी बात कहने से ये बात फैलेगी नहीं और सही प्रेरणा मिलेगी, तो सुख दुख उनसे कहिए, अपने सुख दुख की बात वहाँ बताओ, अपना दिल वहाँ खोल कर रखना पड़े। और ये भी है जो सच्चे संत हैं कहीं के भी हों, जब तक अपना मन अपना दिल खोल करके वहाँ रखेंगे नहीं तब तक सही दिशा मिलेगी कैसे। हम कुछ छिपा करके रखते हैं, जैसे कोई आदमी रोगी हो, डॉक्टर के पास जाता है, आधा रोग बताता है और आधा रोग को छिपा लेता है, उसकी बीमारी कभी दूर होगी? डॉक्टर से तो पूरा का पूरा खोलकर बताना पड़ेगा कि क्या क्या तकलीफ है। जब तक पूरी बीमारी खोलकर बताएंगे नहीं, संकोच करेंगे, तब तक डॉक्टर सही इलाज नहीं कर पाएगा। और जब सही इलाज ही नहीं होगा तो हम बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे ही मन का जो रोग है, तमाम प्रकार कुढ़न, घुटन, तनाव, क्लेश,
इनसे मुक्त होना है। तो जो सच्चे संत हैं, जहां अपना पूरा विश्वास हो जाए, उससे खुल करके सारी बातें बतानी होगी, तो वहां से रास्ता मिलेगा। जो आज संत हैं, सच्चे संत की बात है, अब कौन सच्चा संत, कोई ऐसा हमारे पास थर्मामीटर भी नहीं है, वो तो व्यवहार से पता चलेगा। तो जो पहुंचे भी संत हैं, वो भी उस स्थिति से गुजर चुके हैं जिस स्थिति से आज हम गुजर रहे हैं। हमारे जैसे वो भी कभी परेशान थे मन से, मानसिक क्लेश से, ऐसी बातों से, लेकिन उन्हें किसी ने रास्ता बताया, उस रास्ते पर वे चले और चलते चलते धीरे धीरे वो उसे पार हो गए। और संतों से छिपा करके अपनी बात रखेंगे तो रास्ता नहीं मिलने वाला है। कल्याण चाहते हैं, पूरी मानसिक शांति चाहते हैं, तो अपने मन को पूरा का पूरा खोलना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। हम अपने मन को खोलते नहीं हैं, पूछते हैं, गुरु पूछते हैं या कोई पुराने संत पूछते हैं, कहो भाई कैसे, क्या हाल चाल है, मन बढ़िया है ना। हम सहज कह देते हैं, हाँ साहब मन बढ़िया है। बढ़िया है तब उदास क्यों हो, बढ़िया है तब तनाव में चिंता में क्यों पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं तो घटिया है, कहीं ना कहीं मन में तो खुराफात चल रही है, कहीं ना कहीं तो मन गलत सोच रहा है, तभी तो उदास है, तभी तो अशांत है, तभी तो पीड़ित है। निश्चल होना पड़ेगा। और निश्चल होने का अर्थ क्या है, अपने मन की बात खोल करके कह देना किसी से, उससे मन हल्का हो जाता है और साथ साथ रास्ता मिलता है। तो जो कोई संत मिले बड़भागी, सुख दुख उनसे कहिए। सदगुरु कहते हैं, मन जयी मनोजयी संत, सौभाग्य से मिल जाए तो अपने मन की सारी बातें खोल कर रख दो, कि कहाँ कहाँ मन दौड़ता है, किन किन वस्तुओं के लिए मन दौड़ता है, मन में कैसी भावनाएं चल रही है, तब वो रास्ता बताते जाएंगे। अब फिर उस रास्ते पर हमें चलना होगा, तब हमारा दुख दूर होगा। तो यहाँ तो साहब संशय का अपनी बात कहने को कहते हैं, लेकिन विवादी मिल जाए, झगड़ालू, तब क्या करें। उसके लिए साहब कहते हैं, जो कोई वादी बात बढ़ावे, चार बात सुन रही है। यदि विवादी मिल जाए, विवाद बढ़ाना चाहता, झगड़ा करना चाहता है, तो चार बातें सुन करके मौन रह जाओ, चुप रह जाओ। कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो केवल विवाद करना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं, न समझाना चाहते हैं, केवल विवाद करना चाहते हैं। और विवाद करने का अर्थ होता है कि लोगों के बीच इसको हम चुप करवा दें, ताकि इसकी तौहीन हो जाए, इसका अपमान हो जाए। ऐसे लोग मिलते रहेंगे बराबर, हर जगह मिलेंगे, ऐसे लोगों से उलझने की आवश्यकता नहीं है। साहब कहते जो कह रहा है सुन लो और मौन हो जाओ। कोई गाली भी देता है तो भी सुन करके मौन हो जाओ, कहां तक उलझेंगे, उलझ करके क्या होगा। परिवार में भी ये बात आएगी, परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं कलह प्रिय,
विवादी, वो चाहते हैं कि घर में कलह होता रहे, झगड़ कर अपनी बात मनवा चाहते हैं, तो वहाँ भी सुनना पड़ेगा। हर जगह का नियम एक ही जैसा है। बिना मौन हुए चुप रहे शांति मिलेगी नहीं, समाधान होने वाला नहीं है। और कोई किसी का समाधान कर थोड़े सका है। हम जाते हैं कहीं किसी संत से या किसी बड़े पुरुष से अपनी बात कहते हैं, वो बताते हैं, अब समाधान करना है या नहीं करना है वो तो हमारा मन। अच्छी से अच्छी बातों को भी हम मजाक में उड़ा सकते हैं, उस पर भी तर्क कर सकते हैं। आप चाहे कितनी अच्छी बात कहें, कितनी अच्छी बात कहें, और आपकी बात चाहे कितनी सच क्यों ना हो, उसको काटने वाले मिलेंगे, उसको ठुकराने वाले मिलेंगे, उसको गलत सिद्ध करने वाले मिलेंगे। समझ लिए कि आदमी ऐसा है तो अपनी बात को सही सिद्ध करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी बात सच है, उसे सही सिद्ध करने की आवश्यकता क्या है? कोई समझना चाहता है जिज्ञासु, तो उसके सामने तो खोल करके सारी बात कहना पड़ेगा। जिज्ञासुओं की स्थिति अलग होती है, विवादों की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। कोई जिज्ञासु है, उसे एकदम साफ निर्णय किए बिना उसकी शंका का समाधान नहीं होगा, तो यह भी समझना होगा कि कहां खोल करके पूरा पूरा सच कहना पड़ेगा और कहां धीरज से काम लेना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। हर जगह यहां एक नियम लागू नहीं होने वाला है। बात तो यहां यह है, यदि विवाद से बचना चाहते हैं, कला से बचना चाहते हैं, झगड़ा से बचना चाहते हैं, तो विवादे मिल जाए, चार बातें कह रहा है तो सुन करके मौन हो जाओ, बस उसको अपनी बात कहने दो। वो कह लेगा, उसके मन की भड़ास निकल जाएगी, बस अपने आप मौन हो जाएगा। कब तक लड़ोगे उसे? लड़ लड़ करके पार कौन हुआ है? विवादियों को चुप कराने का रास्ता यही है, मौन रहना। श्री पलटू साहब ने तो यही कहा है ना, पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, वे बोले मैं चुप रहूं सहजे जावे हार। पलटू साहब कहते हैं वो बोल रहे हैं मैं चुप हूं, हार कर चले जाएंगे। कोई हमें हरा भी दे तो हमारा नुकसान क्या होगा? ये जीत की जो भावना है, मेरी जीत हो, सब तब सबके ऊपर मैं दबदबा कायम रखूं, यही भावना विवाद करवाती है। हार जाए हम, कोई हमें हरा दे तो नुकसान क्या है हमारा? यही तो होगा ना कि उन्होंने हमें हरा दिया, या लोग कहें कि भाई अमुक को अमुक ने हरा दिया, तो इसमें बेइज्जती क्या है? बेइज्जती तो विवाद करने में है, कलह करने में है, लड़ने में है, हारने में नहीं है। सदगुरु तो यहाँ तक कहते हैं, हारा सो हरि को मिले, जीता जम पुर जाए। जो हार जाता है विवादियों से वो हरि को मिल जाता है। हरि को मिलने का अर्थ क्या है? शांति पा जाता है। हार गए, मौन हो गए, समय की बचत हुई, मन खराब नहीं हुआ, गलत बात नहीं निकली, शांत है मन, बस हरि से मिल गए। और सब पर जीत की कामना रखोगे तो जमपुर मन ही नरक बना हुआ है, उलझा हुआ मन। तो जीत की भावना को निकाल दे, हार जाए, झुक जाए, सहन कर लें, मन हो जाए। हरी मिला हुआ है, सब समय हरी मिला हुआ है।
और बाहर हरित लाश में भटकने की जरूरत क्या है। लेकिन सहज नहीं है, अहंकार कुरेदता रहता है भीतर से, तुम हार जाओगे, चुप हो जाओगे, उत्तर नहीं दोगे तो लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में, क्या सोचेंगे, तुम मूर्ख बन जाओगे, कमजोर बन जाओगे। बस अहंकार के बहकाने में हम बहक जाते हैं और विवाद करना शुरू कर देते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। ये पश्चाताप करना ही तो नरक जाना है। अहंकार के कहने में नहीं आना है, अहंकार को मार लेने में ही शांति है। जो कोई वादी बात बढ़ावे, चार बात सुन रही है, सदगुरु कहते हैं कोई विवादी मिल जाए, विवाद बढ़ाना चाहता है, चार बात सुन करके मौन हो जाओ। साहब ने तो भी कहा है ना, मिले ही संत वचन दो कहिए, मिले संत मौन हो रही है, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रही है झक मारी। सदगुरु कबीर ने तो हर जगह रास्ता बताया है, हर चीज, हर रोग की दवा उनके पास है, लेकिन हम दवा का प्रयोग करें तब। हम जो जानते हैं हमारे पास जो दवा है वो केवल दूसरों के लिए होती है, हमारे लिए नहीं होती, यही गड़बड़ी है। पहले दवा का प्रयोग हमें अपने लिए करना होगा। हमारा मन रोग मुक्त हो गया, बस हमारा काम बन गया, फिर जो सुने उनको बता दें, माने ना माने उनकी मर्जी। अंत में साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित लहिए। सदगुरु कहते हैं हे भाई साधो सुनो, सकुशल जीवन जीना चाहते हो, कल्याण पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहते हो तो गुरु के चरण पकड़ कर रखो, अपने चित्त को गुरु के चरणों में लगा करके रखो। गुरु के चरण में लगाकर रखने का अर्थ क्या है? विनम्रता भाव। आखिर गुरु के चरण भी तो हार मांस का है, और फिर कब तक पकड़ कर बैठे रहेंगे उसको हम? मतलब विनम्रता। और गुरु ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान के अनुसार जीवन का आचरण, उस ज्ञान पथ पर चलना, यही गुरु को चित्त में बता करके रखना है, यही गुरु का बराबर चित्त से स्मरण करते रहना होगा। विनम्र है, गुरु उपदेश का जीवन में आचरण कर रहा है, गुरु बताए पथ पर चल रहा है, बस सहज कल्याण है। अब विनम्रता नहीं है, गुरु ज्ञान का जीवन में उपयोग नहीं करते, उस पथ पर नहीं चलते, गुरु भक्ति का बखान बहुत कर रहे हैं, गुरु महिमा का बखान बहुत कर रहे हैं। गुरु भक्ति और महिमा बखान करने से कल्याण होता तो अब तक हो गया होता। गुरु भक्ति और गुरु महिमा का बखान करने का अर्थ है जैसे गुरु का आचरण रहा है, निर्मल निर्विकार विनम्रता से भरा हुआ, उसी का अनुकरण करना। वैसे निर्मल निर्विकार जीवन बनाने के लिए साधना करना और सबसे झुक करके विनम्र होकर के चलना। लेकिन विनम्रता केवल बाहर से नहीं, भीतर भी होना चाहिए। बाहर हमारा हम बहुत विनम्र हैं और भीतर हमारा छल है तो ये काम नहीं आने वाला है। बाहर भी भीतर भी विनम्र, ये गुरु के चरणों में चित्त लगा करके रखना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित्त रहिए। साहब कहते हैं गुरु के चरणों में चित्त को लगा करके रखो, गुरु ज्ञान की स्मरण करो। बराबर गुरु ज्ञान की स्मरण होता रहेगा, मन विनम्र रहेगा, अहंकार रहित, तो अपने साहेब से मिलिए, फिर अपना जो साहेब है वो मिलता रहेगा। बहुत सरल पद है यह, लेकिन सदगुरु ने इसमें थोड़े शब्दों में सरल से सब कुछ कह दिया है।
अपने साहेब से मिल रहिए, जो काहू की भली ना आए बुरी काहे को करिए। जो कि संत मिले बड़भागी, सुख दुख उनसो कहिए। जो कोई बादी बात बढ़ावे चार बात सुन रही है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित गही है। बहुत सहज ढंग से साहब ने कहा है, समझना है, समझ करके मनन करना है, जीवन में उतारना है, विनम्रता पूर्वक गुरु के ज्ञान पथ पर चलते रहना है। यही हमारे लिए कल्याण का रास्ता है। इसी पथ पर चल करके हम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं, अपने साहेब से अपने स्वरूप से मिल सकते हैं। अपने वाणी यहीं विराम, और थोड़ी देर के लिए आप 5 मिनट के लिए शांत होकर के बैठ जाएं।